राम 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 बेटा, राम राम। मैं नौकरी को इंटरव्यू देने जा रहा हूँ आज। अच्छा बेटा, इंटरव्यू देने के जा रहा हूँ आज। हाँ मैं चौंत से कंपनी आ गई, आज नौकरी तो पक्की ही समझो। अच्छा तो एक बात बता, मुझे तू रोज ही जावे इंटरव्यू देने पे। हाँ। तेरी कोई नौकरी नपरी तो लगे भी ना है। ओह नो, मैं यू तो बेस समय को खेल है रोल, पर आज तो नौकरी पक्की समझो तुम। अच्छा और ले देखे कैसी नौकरी। आज दे तुम बेस। जीतो रे बेटा, जीतो रे। ठीक है तो मैं चलूँ मैं। नौकरी के इंटरव्यू चल रही है। तू यो बता, जब यो भंडारो नो चल रहा हो, इंटरव्यू चल रहे है नौकरी के, तो मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा यो? तू ऐसे भीतर ना जा सके। अरे कट्टा में कहा लेके जा रहा हो तू? सुन रे, पल पल के हो खड़े हो, जो मैटर बड़े हो। अरे भैया पलवल के दिखो आप। और कहा जिम्मे रहो का तू? अरे भैया मैंने सुनी पलवल के मारे वहां से। कौन भैया तुम? आप भीतर जा सकते हो। ठीक है, पहुंच गए यार। बच गो आज पलवल के इंटर जुगो रबड़ बना दी मैंने सुनी पलवल के मारते मारते। अब मैं सोऊंगा ड्यूटी पे। गया ना? हाँ अब मैं सोऊंगा भाई। राम राम जी। राम राम तो ठीक है भाई, पर तू क्या अंदर कैसे आया? अजी मैं तो पामंदे चल के आया हूँ अंदर। अरे भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन तू अंदर कैसे आया? अजी तुम भी कैसी बात कर रहे हो, तुम मौन हो जानो। अरे भाई हम नहीं जानते तुझे, तू कहीं का एमएलए है क्या? ओह नो, तुम मौन हो जानो। मौन जानो ना तुम। अरे बोल दिया ना नहीं जानते। अजी मेरा नाम लोकेश डॉन रोडियो डिस्ट्रिक्ट पलवल। और ये बता तू है कौन और क्या करने के लिए आया इधर? और इस कट्टे में क्या है? एक मिनट रुक भी जाओगे, बस ठंडी हवा ले लें दो। जब से आज चैन नो लें दे रहे। अबे तू क्या करने आया है इधर? अरे डट भी जाओगे, कोई चाय पानी मिले हो ना मिले हो? अगर तुम्हारी भैंस लायत की हो तो बता दीजो, एक ही फोन पे मंगवा देंगे और दूध की ढेर लगवा देंगे। अरे भाई फालतू की बात मत कर, तू ये बता तू इधर क्या करने आया है, क्या लेने आया तू इधर? तुम क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पर नौकरी देने के लिए आए हैं, और जिसका इंटरव्यू होगा उसी को नौकरी देंगे हम तो। तो मैं बेसन की सोनी करने आया हूँ। क्या बदतमीजी है? या मैं बदतमीजी का बात है मैं ना दूसरी। तुम इंटरव्यू लेने आया तो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इधर नौकरी के लिए आए हो, लेकिन इस कट्टे में क्या है? अच्छा या कट्टा में? या कट्टा मेरे कागज है। अच्छा कौन से कागज है इस कट्टे में? इसमें इसमें बैंक कार्ड, आधार कार्ड, नीलम कार्ड, ब्याज कार्ड, उधार कार्ड, टाई कार्ड, बैंक कार्ड, मम्मी कार्ड, पापा कार्ड, बटेरे कार्ड है जी इसमें। इसमें मेरी पूरी जिंदगी के कार्ड है। तुम इस कट्टे को क्यों लेकर आए हो? बैग नहीं है क्या आपके पास? अजी बैग तो बहुत है मेरे धोरे, पर बैग में यामर न लेकर आयो। जब भी बैग टोक के मैं चलू ना तो सब देखे, सब ने सोचे है कि ये छोरा कच करेगा, फिर होवे कच भी न हो। तो यामर में कट्टा में लेकर आयो अपने कागज ने, काई कच पता ही न पड़ेगी कौन जा रहा छोरा, अब मऊ काई की नजर न लगेगी। अच्छा ठीक है, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। ओह नो, चलो जी अब थोड़ी काम की बात कर ले। अच्छा काम की बातें करनी है, चलो करो। तो बताओ तुम मेरी सैलरी खाते में गिरोगे क्या, कैश दोगे? कैसी और किसकी सैलरी? अजी तुम मेरी नौकरी तो पक्की समझो, बस मैं तो सैलरी की बात करने आया हूँ। अरे नौकरी ऐसे नहीं मिलती। नौकरी के लिए जो क्वेश्चन हम पूछे उसका सही से जवाब दो, और वरना नौकरी की उम्मीद मत रखना। अच्छा ऐसी बात है, वैसे हम जो जो ना हुकुम बातन ते बने तो ठीक है, और नहीं तो लातन ते तो हम बनाई दे। यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी दादागिरी। यहाँ पे जो पूछा जाए उसका आंसर दो और इंटरव्यू दो, और वरना अपने घर निकलो। चलो पूछा पूछा तुम पूछा। चलो अपने बारे में बताओ, अपना परिचय दो। जी मेरा नाम लोकेश गोम गोडी, जिला पलवल,
दो हाथ दो पाम दो नोक दो कौन दो अरे बस 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 क्या कर रहा है तू अच्छे से बता। अजी वैसे कही तो तुमने ही पर आपका ढंग से बता देंगे अच्छा हुआ। हमारे भैंस है एक कटरा कटर बहुत तेज भगे। अरे ओ चाचा हाथ जोड़वा तू हम पे अब हम समझ गए। अजी कैसा लगा मेरा इंटरव्यू? अजी वाह तुमने तो मौज कर दी तुम तो बड़े हेड ड्राइवर वाह। जी मेरा तो क्षेत्र में तोड़ रहा है। वो तो तू सही कह रहे हो दिख रहा हमें। अजी अब तो मेरी नौकरी पक्की होगी। चल ठीक है अपने कागज दिखा ला। अजी कागज ले आओ तब कागज अंदर देखो। ए हज्जा परी क्या कागज है इसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। आपको समझ में आया कुछ? मेरे को कुछ नहीं आया क्या कागज है। अजी समझ में आम थे तुम्हें तिहारी दौरान नौकरी लेने नहीं हो इनको रोंग तो वो आज तक समझ में ना आया। चल तू ये बता कहाँ तक पढ़ा है तुम? अजी लंच तक पढ़े हूँ मैं। लंच तक वो कैसे? अजी लंच है तो ही मैं स्कूल की दीवार कूद कर भाग जाए करो तो यहाँ मार मैं लंच तक ही पढ़ा हूँ। अरे हम ये नहीं पूछ रहे ये बता कौन सी क्लास तक पढ़ा है तू? अजी मैं तो बस अपनी क्लास में बैठ कर पढ़े हूँ। एक दिन गया हूँ मैं दूसरी क्लास में हॉस्टल में देख लियो कर रोई खाते हो कर रोई जात के है ना अब भी याद आवे वो मार दो। अरे तू ये बता तू कौन सी क्लास तक पढ़ा है? अजी दसी में तीन बार फेल हो गया। अरे ये सब छोड़ ये बता तुझे काम करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है? जी काम की बात मत करो काम तो मैं बहुत करूँ। अच्छा क्या क्या काम करता तू? अजी देखो सबसे पहले मैं 4 बजे उठू उठ के सोनी करूँ बेसन की बेसन सोनी करके दूध काट के बाद चिलम भरू चिलम भर के खेत पर जाऊंगा न्याल लेकर आऊंगा फिर बात पीछे आके फिर चिलम भरू फिर चिलम भर के फिर बेसन ने नहाऊ नहा के मत जी तुम पूछो ही मत मैं बहुत काम करूँ फिर भी घर के नौके मैं कच छोरा कच काम ही न करे मेरा बहुत परेशान है रोजी मैं नौकरी दे देता मैं। अरे ओ भाई रो मत कोई बात नहीं फिर मेरी नौकरी पक्की। चल तू एक बात बता तुझे नौकरी किस लिए चाहिए क्यों चाहिए तुझे नौकरी? अजी कल रात मेरे सपने मेरी बहू आई और न्यो कह रही एक लादे लहंगा और एक लादे सोने को हार और फिर करियो जी भर के प्यार वाह कम दो ये कौन समझावे कहाँ ते लाऊ लहंगा कहाँ ते लाऊ हार अरे यहाँ तो हम खुद ही हैं बेरोजगार। अरे हम तेरी मजबूरी समझ सकते हैं लेकिन हम तुझे नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि हमको 4 बंदे उजड़ती जो कि हम उनको नौकरी दे चुके हैं समझे? अजी तुम ऐसे मत करो गरीब आदमी हूँ नौकरी दे दो जो पतो सेठ के भी 10 रुपया उधारे पर वाने कल 4 आदमी में टोक दियो बेइज्जती कर रखे पूरे गांव में और बहस की खर भी आनी रह रही है वो नौकरी दे दो नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। अरे क्या कर रहा तू? चल ठीक है तेरी नौकरी पक्की। अच्छा तो तुम यो बताओ सैलरी कैश में दोगे खाते में? अरे वो बात तो ठीक है कैश दे देंगे क्या हो गया लेकिन एक काम करना पड़ेगा पहले इस पे साइन कर दे इधर ठीक है आजा। अजी लाओ पढ़ने लिखने की कोई ना साइन करूं मैं जल्दी से मो बहसन की सोनी भी करनी है जाकर। ए चंपू इधर आ। बताइए एक काम कर इसको ना साइड वाला अपना कमरा दिखा दे ऑफिस दिखा दे इसको अपना ठीक है दिखा दे इसको और इसकी ना अच्छी तरीके से खातिरदारी कर देना। चलो इसको चाय पानी पिलाओ इसको अच्छे से समझ गए? अच्छा सर चाय पानी करनी है समझ गया मैं ठीक है सर। चलो भाई आओ आपको आपका ऑफिस दिखा देते हैं चलो ले, ले। तुम्हारे सारे काम करूंगा और काम न करूंगा तो मैं पीटियो मैं कर रहा हूँ तू काम कैसे न करेगा काम कर बता।
यदि ये लाइक वाइक ना करे वीडियो ने। हाँ सबरे, हाँ मम्मी देख लीजो री, बता रही हूँ हमारे चैनल का सब्सक्राइब ना कर रहे हैं, बालक बहुत मेहनत कर रही है। भैया हमारी वीडियो ने लाइक कर दे करो, चैनल सब्सक्राइब कर दे करो, चैनल को नाम है देसी भाईचारा ग्रुप, ठीक है। हाँ मम्मी कहते तू भी, हाँ बीबी कर दे करो, हाँ।